May I request Shelley from MSc Home Science for asking a question? पहले तो युवा से बाहर ही निकाल दिया बोल के। और देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि आपकी जो एक तरीके से बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज मुझे लगता है कि आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका परिवार आपको कैसे, आपकी एक तरीके से जो बोलते हैं कि परिवार में कैसे रखा गया। दूसरा आपकी कंपनी बहुत अफेक्ट करती है, आप बहुत अच्छी कंपनी में है। देखिए कुछ मुश्किल से 5 या 10% जो मेरा आंकलन लगता है कि 5 या 10% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग मिल पाते होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके अराउंड क्या चल रहा है, उनको जो अपना लक्ष्य है वो अचीव कर लेंगे और कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होता उनको। वो शुरू से उनका माइंड है और शुरू से वो, पर वो 5% भी हार्डली होते होंगे। सारे लोग हैं जिन्हें कंपनी अफेक्ट करती है, अपने अगल बगल का एनवायरमेंट अफेक्ट करता है, डिस्ट्रेक्शन अफेक्ट करते हैं। तो आपको कोशिश, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए, आधी मंजिल वहीं खत्म हो जाती है जब आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। आप अच्छे 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रहते हो, अच्छे दोस्तों के साथ रहते हो, अच्छे सब लोगों के साथ पढ़ाई करते हो, अच्छी जगह जाते हो, पॉजिटिव जगह पे टाइम देते हो। बहुत लोग हैं बैठ के 2 घंटे फोन करते हैं, बहुत लोग हैं जैसे सर ने अभी नीचे में देख भी रहा था बैडमिंटन कोर्ट बनाया, अगर वो शाम को आके 2 घंटे बैडमिंटन खेलेगा तो हमेशा मतलब कोई नेगेटिविटी दिमाग में आएगी नहीं, फिजिकली फिट रहोगे, 4 लोगों से अच्छी बात करोगे, गेम के बारे में समझोगे। तो अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करना बहुत जरूरी है और हमेशा किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। आप खाली, वो जो हमेशा कहते हैं बिल्कुल सच बात है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपको मतलब मैं कभी खाली रहता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं 10 मिनट भी सोचने लगूंगा तो मैं बहुत रैंडम चीजें सोचने लगूंगा। तो अपने आप को बिजी रखिए, एम रखिए, चाहे कुछ भी करिए, हॉबीज डेवलप करिए। और हॉबी कुछ भी हो सकती है, कोई कहता है किसी को गाने सुनने पसंद है तो गाने सुने, 2 घंटे सुने, 3 घंटे सुने, पर डेवलप करिए हॉबी को। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें करेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई डिस्ट्रेक्शन ऐसा रहेगा। डिस्ट्रेक्शन होने चाहिए, होते हैं, लोग थोड़ा इधर सा रखते हैं फिर रियलाइज करते हैं कि मुझे सही करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं की, पर अल्टीमेटली एक चीज दिमाग में रहनी, मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। 2 बार कोई इधर चले गया उधर चले गया, हर टाइप के बच्चे हैं, कोई ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने 20 साल रहे अपने पेरेंट्स से एक झूठ तक नहीं बोला है, कई ऐसे भी बच्चे जो रोज झूठ बोलते हैं, पर ठीक है फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। पर बात है कि उन्हें पता रहना चाहिए कि कहां हमें करना है, क्या करना है। कई बच्चे ऐसे हैं कुछ उन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ के साथ क्या करना है और आगे लाइफ में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पता है, आपके पेरेंट्स की आप रेस्पेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में अच्छी संगत में रहते हैं, मुझे लगता है कि कोई डिस्ट्रेक्शन इतने ज्यादा नहीं। जयहिंद सर, माननीय, मेरा नाम नितिका भुटार है, मैं BSc द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ। मैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ और साथ में यह भी जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि आपके परिवार में आपको यहाँ तक लाने के लिए सर्वाधिक योगदान किनका रहा है। देखिए बहुत सारे, जैसे मेरा परिवार था, मेरा परिवार मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पुअर फैमिली से था, मतलब लोअर मिडिल क्लास में कहूंगा। पिताजी सरकारी नौकरी में थे और उस टाइम पे, देखिए अब तो भी थोड़ी बेटर फैसिलिटीज आ गई हैं, अच्छी हैं, अच्छी एजुकेशन, अगर नहीं भी गई है तो आपके पास सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू इतना मटीरियल है कि आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पे। और परिवार ऐसा नहीं था, मेरी मदर मुश्किल से शायद 3rd या 4th क्लास तक पढ़ी है, तो वो पढ़ा तो हमें सकती नहीं थी एक लेवल के बाद,
पिताजी खुद ऐसे थे, जिसे कहते हैं ना भारत में, एक स्टेटमेंट लोग बोलते हैं, भारत में लोगों को यूं बढ़ते हुए नहीं देखा जाता, बच्चों को यूं बढ़ते हुए देखा जाता है। क्योंकि पिताजी जब निकलते हैं तो आप सो रहे होते हो, आते हैं तो सो रहे होते, तो लेटे लेटे ही आपकी लंबाई बढ़ती है, ऐसे तो देखते नहीं है। तो ये सब चीजें तो खुद ही, पर ये था कि पेरेंट्स वो फील हमेशा करवाए कि बेटा देखो कुछ है तो है नहीं, तुम कुछ करोगे। अच्छी बात ये थी पेरेंट्स ने कि सारा पैसा, सारी चीजें, जो भी होता था वो हमारी एजुकेशन में लगा है, और वो हमेशा एक फील करवाया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद से कुछ नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हारे अराउंड देख लो सब लोग कैसे हैं क्या हैं। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं जैसे अपने घर में चौथा बच्चा हूँ, तीन बच्चे की डेथ हो चुकी थी, और आप पहले के आप जाओगे तो हर दूसरे घर में तीसरे घर में डेथ हो ही जाती थी, इतनी ज्यादा उस टाइम पे मॉर्टेलिटीज थी। तो हमको पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैं ही नहीं कहूंगा बेस्ट स्कूल था, वन ऑफ द एवरेज स्कूल जो अच्छा स्कूल था जयपुर में। और वही मैंने कहा कि आप अच्छी संगत में रहते हो, मेरे अच्छे फ्रेंड्स रहे, वो क्या करते थे हम उनसे सीखे, फिर मैं आईआईटी चले गया। देखिए अच्छी जगह पहुंचना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, अच्छी जगह पहुंचोगे तो अपने आप आपको घसीट लेगी। आप अच्छी कंपनी में रहोगे तो आपको पकड़ के वो ग्रुप अपने आप स्लो भी हो ना तो आपको पकड़ के अपने साथ, जैसे झुंड चलता है तो झुंड किसी को छोड़ के नहीं चलता, तो झुंड अगर अच्छा है और दो लोग उसमें स्लो वॉकर भी हैं तो अपने साथ थोड़ा थोड़ा पेस पे, आप कभी देखेंगे 10,000 मीटर की रेस देखी है किसी ने, 10 किलोमीटर की रेस होती है, 20 किलोमीटर देखी है कभी, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पेस मेकर का, मतलब पेस रनर होता है, एक बंदा होता है अपने टीम मेंबर की, वो जीतने के लिए नहीं भागता है, वो भागता है इसलिए पूरे टाइम कि उसका पेस मेंटेन रहे, और वो आखिरी के 3-4 राउंड में छोड़ देगा उसको, फिर वो अपने आप भागेगा। क्योंकि आप किसी को देखते रहते हो ना, आपको कुछ पता है तो आप उसके साथ साथ भागते रहते हो, अकेले भागने को कोई बोले तो आदमी बड़ा बोर सा हो जाता है, तो इसलिए ये सारी चीजें थी। फिर मैं आईआईटी चले गया, आईआईटी के बाद मैंने टाटा स्टील में नौकरी भी की, और मैं फिर यूपीएससी में आ गया। मेरा कोई सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर पेरेंट्स को क्या था यार कि तुम्हें पढ़ाने का क्या फायदा जब तुम्हें प्राइवेट नौकरी करनी थी, हमें पैसे से तो मतलब नहीं, हमें तो इज्जत से मतलब था। तो रोज मेरे को 1.5 साल में नौकरी करता रहता था, मुझे ऐसा फील करवाते रहते थे कि यार तू कोई काम का नहीं है तू, क्योंकि उनको मनी से मतलब ही नहीं था, उनको मनी से प्राइवेट नौकरी से कितना भी कमाए कोई मतलब नहीं था। मेरा आईएम्स में हुआ, तब वो टाइम था कि जब मेरा आईएम में हुआ तो मुझे आईएम जाना था या फिर मुझे यूपीएससी देनी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब पेरेंट्स ने इतना बोला है, पेरेंट्स ने इतना किया है, पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ हम लोगों के लिए दी है, तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। और उन्हें लगता था कि क्योंकि मेरे परिवार से मैं पहला आदमी था जो इंजीनियरिंग आईआईटी में गया, इतना कोई कोई और परिवार से कभी गया नहीं था, तो उन्हें लगता था कि यार ये अच्छी जगह गया है तो ये कर सकता है। मैं अपने पूरी तहसील में, मतलब जैसे कहते हैं जैसे आपकी तहसील मवाना ही पड़ती है, पूरी तहसील में मैं दूसरा आदमी था जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ। और ये किस्मत की बात है, जो पहले व्यक्ति थे वो मेरे, मतलब मेरे फादर इन लॉ हैं जो मेरे ससुर हैं, तो पहले आदमी थे 20-30 साल पहले जो उस एरिया से सिलेक्ट हुए थे, और मैं दूसरा आदमी था जो उस एरिया से सिलेक्ट हुआ। तो अब आके हमें लगता है सर्विस में ठीक है, आज की ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं लगता कि यार कहीं और ही होते, प्राइवेट नौकरी कर रहे होते, क्योंकि ये सर्विस में बहुत सैक्रिफाइस मांगती है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट नौकरी में क्या है, आप फ्राइडे को फोन स्विच ऑफ कर लो, मंडे को खोलो, आराम से पैसा अच्छा मिलता है, आप 10 जगह घूमने जाओ, काम भी करना पड़ता है बट ठीक है, पर आपको बहुत फ्रीडम है। सरकारी नौकरी जिस टाइप की हो गई है, आप बहुत कंस्ट्रेंट हो, पब्लिक फिगर हो गए, तो हम लोग भी कई बार सोचते हैं, पर यह कि हम इस चीज से भी सोचते हैं कि आज जो है, चाहे आपके माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये तो खुद चेयरमैन है इसलिए यहाँ नहीं बैठ पा रहे, नहीं तो मेरे से ज्यादा तो वो आपको बता सकते हैं जो उन्होंने अचीव किया है और सब चीजें अचीव किया, पर ये है कि वो उनका भी वही रीजन था घूम फिर के, और जो मुझे लगता है मेरा था कि जो इज्जत है, जो सोशल स्टेटस है, जो सोशल एक तरीके का एक्सेप्टेंस मिलता है, तो वो हमेशा एक सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ समाज हमारी इज्जत करता है, समाज में हमारा कुछ रुतबा है। तो यही घूम फिर के हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, अब आगे जहां पे भी दर्द, और इतना हमने सोचा भी नहीं था, बस ये था कि जैसी लाइफ चल रही है उसको लेते रहिए, वो चलती रहिए और हमेशा एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट दिया रानी फ्रॉम बीसीए आस्क योर क्वेश्चन टू सर। माननीय, मेरा नाम दिया है, मैं बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा मुख्य प्रश्न आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। धन्यवाद। देखिए मैं मूवीज बहुत देखता हूँ,
हम जिस टाइम में थे उस टाइम पे मूवी देखना और गाने सुनना बहुत खराब हैबिट मानी जाती है। जैसे आज बोलते हैं ना कि शराब पीना और सिगरेट पीना खराब है, वैसे मूवी देखना और हमारी फैमिली में मूवी देखना, गाने सुनना, मतलब गाने सुनता तो उसे ही खराब हो गया, उस टाइप की स्थिति थी। और मैंने इतनी देखी है, ऐसे नहीं, मैंने हर टाइप की मूवी, हर कंट्री की मूवी, हिंदी नहीं, चाइनीज, जैपनीज, रशियन, इतनी देखी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है और जब फॉर्म भरना होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, तो लोग बड़ा सोच समझ के भरते हैं। कोई भरेगा बास्केटबॉल, कोई भरेगा, मतलब अच्छी की वो इंटरव्यू वाला पूछे तो उसे लगे कि हाँ कितना अच्छा बच्चा है, इसकी कितनी अच्छी हॉबी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने भरा था वॉचिंग मूवीज ही सबसे पहले हॉबी अपने यूपीएससी के इंटरव्यू में, और मुझसे 5 क्वेश्चन सिर्फ मूवी पे आईएएस के इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि, और मुझे लगता है कि एक अच्छी मूवी देखना और उसके बारे में पढ़ना वो एक किताब को पढ़ना के बराबर है। पर यह कि मूवी देखना ही, मूवी में फिर कुछ है उसके बारे में पढ़ भी लिया, उसके बारे में समझ भी लिया उसके बाद। और जो आप पता नहीं देखते होंगे नहीं है, जैसे एक बार कभी कहीं बोमन ईरानी है, वो कपिल शर्मा के शो पे गए तो उनको वो बता रहे थे कि उनकी मदर उनको रोज पैसा देती थी, वो जाते थे मूवी देखने, फिर अगले दिन फिर पैसा देती थी कि बोले फिर देख के आओ, तो बोले कि मैं कल देख तो ली, बोले नहीं कल तो तुमने एक्टर के लिए देखी होगी, आज तुम डायरेक्टर के लिए देख के आओ, कल तुम प्रोड्यूसर के लिए देख के आओ, परसों सिनेमाटोग्राफी के लिए देखो। तो उस मूवी में 100 लोग काम कर रहे हैं, वो 100 लोगों ने अपने एस्पेक्ट से उस मूवी को बनाया, हर किसी हर कोई नहीं देखता। जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ मूवी देखता हूँ जब बैठ के, तो वो अप्रिशिएट नहीं कर सकती है मूवी के वो जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है, क्योंकि वो मूवी को मूवी की तरह देखती है। और मैं मूवी इतने टाइम से देखता आया हूँ कि मुझे एक एक चीज पता होगी कि वो कलर कॉम्बिनेशन भी क्यों डाला गया है, वो भी क्यों लिया गया है। तो जितना आप उस हॉबी को डेवलप करते हैं आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। इसीलिए मैंने बोला ना, कुछ भी करिए पर उसको इंटरेस्ट की तरह करिए। मतलब आपको, अब आप कोई बास्केटबॉल खेलता है उसको अच्छा लगता है तो फिर उसको उसकी रुचि भी होनी चाहिए कि बास्केटबॉल की क्या है, कौन सी ऐसी कहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ, क्या इसमें चेंजेस आए, क्या है, वो आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप आने लग जाएगा उसको पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं खाली रहता ही नहीं, क्योंकि सबसे खाली आदमी क्या देखता है, मूवी देखता है। पर मैंने मूवी इतनी देखी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि, मतलब बहुत कम मूवीज होंगी जो मैं नहीं देखता हूँ। मतलब अब कम हो गया क्योंकि सर्विस में आ गया, फैमिली हो गई, नहीं तो पहले मैं सिर्फ ऑफिस से आता था, 2-3 मूवीज देखता था, सो जाता था, सुबह ऑफिस चले जाता था जब मैं अकेला रहता था। तो मेरा खाली टाइम में मैंने जाकर यही चीज देखी। थैंक यू सर। मे आई रिक्वेस्ट प्राची फ्रॉम बीसीए कैन आस्क योर क्वेश्चन टू सर। जय सर, मेरा नाम प्राची है, मैं बीसीए वित्तीय वर्ष की छात्रा हूँ। महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी दृष्टि में राष्ट्र निर्माण में एक युवा की क्या भूमिका होनी चाहिए और वह ऐसा क्या करे कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहायक कर सके। धन्यवाद। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सब अपना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, आप इंडिविजुअली अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि हम पर्सनली ग्रो कर रहे हैं। पर्सनली ग्रो कैसे करता है आदमी, हॉबीज डेवलप करके, अपना फ्रेम ऑफ माइंड बेटर करके, चीजों को पढ़ के, एक अच्छा नागरिक बन के। आप सब अच्छा करें तो अपने आप देश भी अच्छा ही हो रहा है, वही राष्ट्र निर्माण है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो चीजों को समझें, बेहतर समझें, उनकी जो मेंटल थिंकिंग है, डेवलपमेंट है, वो बेटर हो। हम लोग, अब कोई आदमी, आप किसी एक बच्चे के साथ बैठेंगे, वो बच्चा 10 चीजों के बारे में जानता होगा, किसी एक के साथ बैठेंगे उसको कुछ नहीं पता, वो खाली टाइम में कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि कुछ डेवलप करना मतलब आप पर्सनली ग्रो कर रहे हो, आपको चीजों के बारे में पता है, आपको दुनिया के आसपास क्या चल रहा है पता है, आपका मेंटल टेम्परमेंट अच्छा है। आप कल को जब आप आते हैं तो आप ये सोच के आते हैं कि मेरे फादर ने इस फैमिली को इस लेवल पे लाया था तो मैं इस लेवल से इस लेवल पे ले जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली फैमिली सुधर रही है तो देश सुधर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो फिर ये मान के चलिए वो राष्ट्र निर्माण ही होगा। थैंक यू सर। मे आई रिक्वेस्ट राम शर्मा फ्रॉम BSc CS फाइनल ईयर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू सर। जय हिंद मान्य। मान्य, मेरा नाम अवतार शर्मा है और मैं BSc कंप्यूटर साइंस का 3rd वर्ष का छात्र हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रशासनिक लाइफ और आपकी पारिवारिक जो जिंदगी है उसमें किस प्रकार मैनेज करते हैं। यही सबसे बड़ा पिछले लास्ट 10-15 साल में मेरा इशू रहा है, ठीक है। और क्या है कि जब इस सर्विस में हम लोग आते हैं तो इस सर्विस बहुत ज्यादा डिमांड करती है,
और अगर आपको जैसे जैसे और वो सेम है माननीय मंत्री जी के साथ, मुझे लगता है कि वो भी इसी से जूझ रहे होंगे और जूझते होंगे रोज, क्योंकि उनको भी बच्चे बोलते होंगे 10 जगह, वाइफ बोलती होंगी, पर उनकी मेरी तो भी ऐसी है कि मैं रात को 8-10 बजे सो सकता हूँ। इनके साथ तो वो है कि इनकी तो 24 घंटे वाली जॉब है कि इनको रात में अगर 2 बजे भी किसी को मुसीबत पड़ गई तो इनको वहां जाना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो मुझे मुझे लगता है जब हम लोग बोलते हैं ना कोई राजनीति में सफल कौन हो सकता है, तो हमें लगता था राजनीति में वही सफल हो सकता है जो 24 घंटे की राजनीति करता हो। वो ऑफिस की तरह राजनीति नहीं चलती है कि अभी आप 10 बजे गए ऑफिस में बैठे और 5 बजे आ गए, वो ऑफिसर्स का ही चल सकता है। पर ये है कि शुरू में मेरा बहुत इशू था, शुरू में मैं बहुत ज्यादा काम में रहता था या कुछ था, फिर जब होता है ना परिवार में लड़ाई और वाइफ बोलती रहती है इसलिए शादी की थी तुमने, अगर करनी थी काम ही करना था तो शादी करने की जरूरत नहीं थी। पर धीरे धीरे हमको भी रियलाइज हुआ कि आपको वो पार्ट ऑफ द लाइफ भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कहें दोस्त हो परिवार हो या कुछ भी हो, मतलब अल्टीमेटली आपके सुख दुख में आपका परिवार ही साथ रहता है। बाकी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं, पर जो फैमिली है वो फैमिली होती है, और अगर आप वो फैमिली को टाइम नहीं देंगे और फैमिली के साथ वो नहीं, अब जैसे मैंने सर को बोला था कि आज बच्चों का था और आपका प्रोग्राम था, नहीं तो मैं तो नहीं जाता संडे को कहीं आज के टाइम पे, क्योंकि मैं फैमिली के साथ मैं सुनता हूँ कि 6 दिन नहीं है, पर वो एक दिन मैं किसी भी तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो शुरू में इश्यूज थे, पर अब हम लोगों ने रियलाइज किए कि वो टाइम देना जरूरी है। थोड़ा खराब लगता है कि कहीं किसी ने बोला के साथ वो टाइम स्पेंड करना है, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ टाइम गुजारे, वाइफ है, देखिए वाइफ सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करती है कि वो समय, आप उसे वो समय दें। तो कहीं ना कहीं, और ये एक और चीज है कि हम लोग भारतीयों में क्या प्रॉब्लम है कि ज्यादा काम करने को हम बहुत अच्छा मानते हैं, और तो आप बाहर जाओगे तो ज्यादा काम करना एक बैड ट्रेट है। जहां हम लोग 7-7 दिन काम करने पे जा रहे हैं, वहां बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज है और बहुत डेवलप्ड नेशन है, वो 5 दिन से वर्किंग डे से रिड्यूस होके 4 दिन हो गए हैं। मतलब वहां पहले 5 होते थे, अब 4 कर दिए बहुत यूरोपियन कंट्रीज में, और वर्किंग आवर्स भी 6 आवर्स कर दिए है। मतलब और हम लोग, हम 9 बजे ऑफिस से आ रहे हैं 10 बजे, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई जर्मनी में काम नहीं होता क्या, जर्मनी तो इंडिया से और विकसित है क्या, जर्मन लोग, तो वो हम पे ये क्वेश्चन उठाते हैं कि शायद आप एफिशिएंट नहीं है, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप बैठे हुए हैं तो 2 घंटे किसी से बात कर रहे हैं, 1 घंटे किसी से बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी फिर टाइम मैंने सीखा कि अगर मुझे पता है कि मुझे 4 घंटे में चीज करनी है तो फिर मैं भाग दौड़ करके पूरे 4 घंटे में कर लूंगा, पर मुझे लगेगा कि मेरे पास तो यार 8 घंटे हैं, तो वो 4 घंटे का काम भी मैं 8 घंटे में ही करूंगा। तो वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली मतलब वो जो टाइम, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है, अभी तो आपको शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, पर यह है कि वो जो टाइम है ना 4-5 साल 10 साल जो इनिशियल साल होते हैं आपके पार्टनर के साथ या आपकी फैमिली के साथ, वो वापस नहीं आते। अब मेरे बच्चों को मैं अगर वो टाइम नहीं दूंगा, वो निकल गया है मेरा 7-8 साल या 10 साल, अब मैं बाद में कुछ भी करता रहूं, बाद में तो मुझे खाली रहना है, बच्चे 8-10 साल बाद कौन पेरेंट्स को पूछ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, नहीं तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है तो वो प्रोफेशनल लाइफ को भी हैम्पर करती है किसी ना किसी तरह। May I request Riddhi Sharma of class 8, you can please ask a question. Jai Hind, respected DM sir, I am Riddhi from class 8. My question is, being a DM of our district, what challenges do you face in your everyday life? देखिए, एक ही चैलेंज हर कोई फेस करता है हमेशा से, जब से पैदा होता है और जब तक उसकी लाइफ है, एक्सपेक्टेशंस। और जो लोग की आज जब हुआ है तो आपकी पेरेंट्स की आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आप थोड़े बड़े होंगे तो आपके टीचर्स की या सबकी हो सकती है, उसके बाद होंगे तो आपकी फैमिली की होगी, तो इट नेवर एंड्स। डीएम वाले में क्या है, वो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं और जुड़ जाती हैं, तो सिर्फ वही चैलेंज है। आज के टाइम पे पब्लिक, आप फिर टाइम पे देखेंगे कि पहले बहुत सारी चीजें चल जाती थी, पहले डीएम साहब बड़े ऐसे हैं कि डीएम साहब दिख जाते थे तो बड़ी बात हो जाती थी, राजशाही टाइप के रहते थे, सब कुछ बढ़िया है, और डीएम। अब आज के टाइम पे पब्लिक इतनी असर्टिव हो गई है कि उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप यूपी में हैं इसलिए थोड़ा आज भी रुतबा है डीएम का, आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो डीएम, मतलब ठीक है डीएम है, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डीएम बीएम से, उनको एक्सपेक्ट करता है कि हमारे टैक्स से ये पैसा दिया जा रहा है, आपको जो सैलरी मिल रही है वो मैंने दी है, तो आपको अगर सैलरी मैं दे रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि जो सर्विसेज के लिए सैलरी दे रही हूँ वो आपको सर्विस देनी है। पहले क्या होता था, डीएम साहब कुछ करते थे तो अरे एहसान कर दिया डीएम साहब ने, डीएम साहब ने ये काम करा दिया,
पर आप लोग क्या बोलते हैं, क्या आपकी तो ड्यूटी है ये काम करवाना, आपको तो करना ही चाहिए काम। तो जो प्रेशर है वो बहुत धीरे धीरे, और जो अच्छी भी चीज है, क्योंकि प्रेशर ही एक आदमी को पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए वो होता है। कोई शिकायत कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई आके आपको बोलता है, तो आप थोड़े से एक्टिवेटेड भी रहते हो। और दूसरे पब्लिक के, आज भी हम जो कह रहे हैं कि एक डेवलपिंग नेशन है और यूपी अभी भी बैकवर्ड है, तो एक जो माइंड सेट है पब्लिक का जो है वो अभी भी थोड़ा सा मतलब ग्रो कर रहा है। तो जो पब्लिक न्यूसेंसेस भी हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको इतना समझ में नहीं आता, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो, कम्युनल इश्यूज हो, कुछ और टाइप के इश्यूज हो सकते हैं, उन इश्यूज की वजह से भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। जैसे आप जानते हैं कि मेरा थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव और ये सब डिस्ट्रिक्ट है, पर मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जिस टाइप की गवर्नमेंट है, जिस टाइप की गवर्नेंस है, वो इतनी अच्छी है कि अब वो जो न्यूसेंसेस पहले बहुत ज्यादा होते थे, पहले हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर और ये सब चीजें होती थी, आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता मेरे को एक साल होने को आया मेरठ में मुझे कभी रात में अलग से भागना पड़ा, कभी नहीं भागना पड़ा। पर मैं पिछले में बता सकता हूँ, जब एसडीएम था तो हर चौथे दिन भागना पड़ता था। तो शायद वो गवर्नेंस में भी चेंज आया है, वो एक परसेप्शन में भी चेंज आया है। अब गवर्नमेंट छोटे मोटे इश्यूज को ना देखते हुए बड़े लार्जर इश्यूज को देखती है, जैसे आप अभी देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ये सब चीजें हुई कि चीजों को एक बड़े लेवल पे कैसे लिया जाए। और यूपी जिसका नाम यूपी बिहार, जिसे हमेशा एक पुराने या खराब, आज आप देखेंगे सारे पैरामीटर्स में सबसे ज्यादा अग्रणी या आगे यूपी को माना जा रहा है, और यूपी की जो वर्क फोर्स है उसको माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस यही रूटीन के चैलेंजेस है, इट्स नॉट एन इशू आज के टाइम पे, बहुत बड़ा इशू नहीं है एज अ डीएम को, बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। और वही है कि जो डीएम को वो एक्सपेक्टेशंस के दबाव में रहेगा तो उसको बहुत बड़े चैलेंज लगेंगे, जिसको नहीं फर्क पड़ रहा उसको नहीं फर्क पड़ रहा, वो आराम से, कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस आर द मेजर चैलेंजेस इस टाइम। होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। देखिए होता क्या है, अब मैं अपनी फैमिली में बताता हूं, जैसे मैं जो स्ट्रेस और डीमोटिवेट नहीं होता और बहुत मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाता, उसको लोग क्या कहते हैं कि यार तू तो इमोशनलेस है, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहता हूं कि फर्क पड़ता है, लोगों को नहीं दिखता, इसका मतलब ये थोड़ी ना फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये कहना है कि हमेशा खुश रहो और चीजें, मैंने वही बोला ना, अपने आपको इन्वॉल्व रखो, आप कितना अपने आपको इन्वॉल्व, अभी आप यहाँ बैठे हो, कोई स्ट्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजी हो ना, कहीं खेल रहे हो, कहीं बिजी हो, कहीं मूवी देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। स्ट्रेस और डिमोटिवेशन वहां होता है जहां आप बैठने लगते हो, सोचने लगते हो, दिमाग चलने लगता है, वो कहीं वॉन्डर करने लगता है, अपने आप को बिजी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूं कि क्यों आपको, क्योंकि आप तो उस लेवल तक आ गए हैं, कई बच्चे तो जो कॉलेज में आ गए, पर स्कूल में कुछ अच्छा भी करना है ना, तो वो सेक्रीफाइस तो हमेशा मांगेगा, और सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा मांगेगा, बी पढ़ाई में, बी स्पोर्ट्स में। हमें आज लगता है कि हम लोग इतना प्रमोट नहीं करते स्पोर्ट्स को, मुझे लगता है आईएएस बनना इजी है, पर क्रिकेट टीम में, भारत की में खेलना उससे 10 गुना ज्यादा हुआ डिफिकल्ट। और डिफिकल्टी सिर्फ एक ही चीज से आती है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आईएएस टफेस्ट एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं, टफ क्या, टफ एग्जाम कुछ नहीं होता, एग्जाम टफ नहीं होता, जितने लोग उसको देते हैं और उसमें कितने लोगों की सिलेक्शन होने की हुआ है, वो एग्जाम ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है, या वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली, अगर यूपीएससी सबसे ज्यादा लोग देते हैं और सिलेक्शन जितने से, इसलिए सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। मेरे से अगर आज के टाइम पे पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि हर कोई आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, पर हर कोई आईआईटी का एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता, क्योंकि अंतर है। आईआईटी में एक बेसिक एप्टीट्यूड मांगा जाता है, कईयों में नहीं है, किसी को मैथ समझ में नहीं आती तो नहीं आती, और उसे नहीं आती तो वो नहीं निकाल पाएगा आईआईटी, मैं बता रहा हूं। पर आईएएस का एग्जामिनेशन सिर्फ हार्डवर्क मांगता है और थोड़ी सी इंटेलिजेंस मांगता है, थोड़ी सी, मतलब जिसे कहते हैं ना, जब हम तैयारी करने गए आईएएस की, तो एक टीचर थे, उन्होंने बोला यार देखो आपको गधा बनना है, बस थोड़ा सा इंटेलिजेंट गधा बनना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो घोड़ा नहीं बनना, घोड़े बहुत तेज भागते हैं और बहुत जल्दी हाफ जाते हैं, गधे चलते रहेंगे, तो ये एक प्रोसेस है जो एक साल का है। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, मैं आपको बताता हूं 2 साल का क्या शेड्यूल था। 2 साल का ये शेड्यूल था कि मैं 4 बजे मॉर्निंग में उठता था, अपना होमवर्क करता था, जो भी करता था, जो हमें कोचिंग में मिलता था, मैं 7 बजे स्कूल निकल जाता था, 1:30 बजे मेरा स्कूल खत्म होता था, 1:30 बजे से 2 दूर थी कोचिंग में, 2:30 बजे वहां पहुंचता था, 3 बजे से वो मेरी कोचिंग स्टार्ट होती थी, 8:30 बजे तक वो कोचिंग चलती थी, मैं वापस से 9:30 बजे घर पहुंचता था, डिनर करता था, सो जाता। ये 2 साल यही जिया है, ऐसा नहीं दुखी थे हम, यही जिया है, शादी नहीं गए, रिश्तेदारों की शादी नहीं गए, किसी की शादी में नहीं गए, खेलना तो हमें याद नहीं है कि हम क्या खेलते थे क्या नहीं,
पर वो शायद 2 साल का हार्डवर्क आज पे किया है, क्योंकि हम ऐसे फिर हमने 4 साल मस्ती तो की है कॉलेज में जाके, कुछ नहीं की। फिर यूपीएससी की तैयारी आई, फिर हमने 1 साल सिंसियरली बहुत पढ़ लिया, फिर हम यहाँ पहुंच गए। तो आज कंफर्टेबल लाइफ है उस मामले में, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है डिफिकल्ट है, काम ज्यादा है वो एक अलग बात है, पर इन टर्म्स ऑफ आपको गाड़ी है, आपको घर है, ये सब चीजें बहुत इजीली मिल गई है। तो मैं बार बार वही वाली चीजें कि जो हार्डवर्क है ना वो पुट इन करना जरूरी है, और हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। आप कितने भी शार्प हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, हार्डवर्क है और जो सिंसियर है, हमने अपनी लाइफ में देखा है, इन एंड अराउंड देखा है, बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए जो बहुत अच्छे थे, एक बंदा जो सिर्फ सिंसियर था, जो डिसिप्लिन था, टाइमली आता था, टाइमली जाता था, टाइमली क्लास अटेंड करता था, वो अपनी लाइफ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लिया, उसको लाइफ में इतना बड़ा इश्यूज नहीं हुए। और अपलोड चलते रहते हैं, स्ट्रेस तो आपके ऊपर है कि आप ये आज के टाइम पे इतना ज्यादा हो गया कि आप, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस, पहले कोई 10 साल पहले तो पूछता भी नहीं था स्ट्रेस क्या होता है, आज के टाइम पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मेंटल इंस्टीट्यूट, मतलब मैं इस सेंस में नहीं बोल रहा कि पागल वाले, मतलब फिजियो, मतलब जिसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है, बहुत सारे डेवलप हुए हैं, बहुत सारों की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब लोगों ने देखा है कि लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसके रीजन सिर्फ ये ही नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है, लोग निकलना बंद कर दिए, खेलना बंद कर दिए, अपने कंप्यूटर पे लगे हुए, अपने फोन पे लगे हुए। आप देखेंगे आज के टाइम पे बच्चों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट डिलेज है, बच्चा पैदा होता है, पहले बच्चा 1.5 साल में बोलने लग जाता था, बच्चा 3.5 साल में भी बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि वो बोलना ही नहीं है, वो फोन में ही लगा हुआ है, टीवी पे ही लगा हुआ है, वो सुन रहा है चीजों को पर बोलता ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अपने आप को इन्वॉल्व करो, बाहर निकलो, हर चीज लोगों से बात करो, सब कुछ, कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं, लड़ाई होगी, गुस्सा आएगा, एग्रेशन होगा, पर स्ट्रेस नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो, जिन लोगों ने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, हजारों इंटरव्यूज है आज के टाइम पे, तो आप यूट्यूब ऑन करो, किसी के बारे में पढ़ना चाहते, और नहीं पढ़ना है तो यार कॉमेडी देखते रहो। मैं इतना कपिल शर्मा बैठ के देखता रहता हूँ, मैं खुद ही हंसता रहता हूँ, मैं पहले नहीं देखता था, पर मेरे को लगता है यार कि वो भी अपने आप में एक मतलब होता है ना, एक थेरेपी। और आप मुझे भी देखोगे, मैं तो हमेशा से, सर मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं तो कभी बहुत कम गुस्सा होता हूँ, बहुत कम गुस्सा, लोग मुझे यूं बोलते जरा आपको गुस्सा ही नहीं आता इतना ज्यादा, और होता भी हूं तो दिखावे वाला होता हूँ कि मतलब दिखाना है यार, गुस्सा दिखाना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई सीरियसली मुझे लेगा नहीं। तो ज्यादा सोचो ही मत, स्ट्रेस डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता, मस्त रहो। आप तो 8th क्लास में हो, 8th क्लास में तो वैसे ही कुछ नहीं होना चाहिए, कोई अभी अभी तो पढ़ना है, किस बात का डिमोटिवेशन और स्ट्रेस है। और पढ़ाई देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितना सिंसियरली अपना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दीजिए। हर टॉपर नहीं, टॉपर नहीं होना है हर किसी को, टॉपर तो एक ही होता है, हम कभी टॉपर नहीं थे। यूपीएससी में जितने टॉपर्स बने वो कभी टॉपर नहीं थे, टॉपर तो फिर 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाकी लोग नहीं। और वो आप आजकल देखते हैं ना, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था कि देखो यार 90% से ऊपर वाला आदमी, रील्स में देखते होगे ना, 90% से ऊपर वाला आदमी खराब है, बर्बाद है, सबसे अच्छा आदमी कौन है जो 80% के अराउंड आता है, क्योंकि उसने अपने पे भी पर्सनली ग्रो किया है, जो मैं बोल रहा था अपनी हॉबी भी डेवलप की होगी, वो गिटार भी बजा लिया होगा, वो भी खेल लिया होगा, पर वो 90% वाला क्या क्या होगा, सिर्फ पढ़ाई होगा और कुछ किया ही नहीं होगा। तो अभी तो 8th क्लास के हिसाब से वो सवाल भी सही नहीं है, आपको ऐसे सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, You can ask your question. मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दृष्टि में राष्ट्र निर्माण में एक युवा की क्या भूमिका होनी चाहिए और वह ऐसा क्या करे कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहायक कर सके। धन्यवाद। इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, ये आपको ही करना है, पर ये मेरा कहना है कि जब भी आप उसको डिसाइड कर रहे हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मतलब वो नहीं होना चाहिए कि आप एक होता है ना कि भाव में आ गए, ये बढ़िया लग रहा है, वो बढ़िया लग रहा है, जैसे वो मूवी थी लक्ष्य मूवी थी ना, तो ऋतिक रोशन को बोला यार कि मैं आर्मी कर लेता हूँ, गया तो हालत खराब हो गई, फिर भाग लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। बात एक, आपको जो करना है आप करिए, हर प्रोफेशन में अच्छा है, ऐसा नहीं आज के टाइम पे फोटोग्राफी भी किसी को करनी है तो देर इज हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा पैसा मिलता है जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स है। ये आपको सोचना है, पहले उसके बारे में पढ़ लें, जान। लोग मुझसे पूछते सर यूपीएससी में इंटरव्यू के, मैं बोला यार कोर्स देखा है आपने, पढ़ाए कभी कोर्स नहीं, देखा ही नहीं, पिछले साल के पेपर देखे ही नहीं, पर इंटरव्यू के बारे में पूछना चाहते हैं, बोले यार इंटरव्यू तो तब पहुंचोगे जब पहले उसको क्लियर करोगे प्रीलिम्स और मेंस को। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा किसी से वो ना हो कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि अरे आज मुझे फोटोग्राफी अच्छी लग रही है, कल मुझे कुछ
बच्चा और अच्छा लगने लगे, नहीं, शायद आप पढ़ लो क्या है, कहाँ मैं कॉलेज जाऊंगा, कितनी फी होती है, क्या इसके स्कोप है, लोग कितना कर रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, उस बेसिस पे। पर ये कि और हॉबी है, आज किसी को लगता है कि मैं ये चीज अच्छी कर लेता हूं मुझे इसी में, ऐसा नहीं है, टफ है हर प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन हो हर प्रोफेशन टफ है। आप जब तक उसमें बहुत सिंसियरली और आपके उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तब तक नहीं है। और आज ये बच्चे पूछने लगे, पहले नहीं होता था, पहले हमें बोला ये कर लो तो हमने वो कर लिया, पहले हमें इसमें धक्का दिया। मैं जब यूपीएससी की तैयारी करने गया तो लोग आज मुझे सवाल पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन सी लिए, मैं बताता हूँ कि मैंने जॉब छोड़ी, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कल जॉब छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ दी, और छोड़ के मुझे नहीं पता था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी में वहां पहुंच गया, वहां मुझे लगा करना क्या होता है। तो मेरे एक सीनियर थे, मैं बोला क्या करना था, बोले यार सब्जेक्ट होते हैं दो लेने होते हैं, बोला कौन से, बोले मैंने ये लिया, बोला ठीक है मैं भी यही ले लेता हूँ, मैंने वो दोनों ले लिए। मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूं, आज लोग इतना डिस्कशन करते हैं, उन्होंने लिए थे इसलिए मैंने ले लिए, मैं बोला ठीक है पढ़ लेते हैं, उन्होंने जैसे बोला कर लिया। तो हम लोगों के टाइम पे ये था कि इतने ऑप्शंस ही नहीं थे उस टाइम पे कोई, और हमसे पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, 5-10 कंपनियां होती रहती थी इंजीनियरिंग की, टाटा और इस टाइप के लोग चले जाते थे आईटी से। अब लोग क्वेश्चन करते हैं, अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ के आईआईटी से पढ़े हुए लोग सोचते हैं ना आईआईटी से पढ़ा हुआ है क्या क्या कर रहा होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, या आप जाके देखना, एक फ्लाइंग बीस्ट करके एक है, वो मेरा बैचमेट है आईआईटी का, गौरव तनेजा, ठीक है, वो सिर्फ ब्लॉग्स बनाता है, रील्स बनाता है, इससे पहले वो प्लेन उड़ाता था, आईआईटी छोड़ के वो कमर्शियल पायलट बना, मतलब आईआईटी के बाद। एक मेरे साथ का व्यक्ति है, वो उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में गया, वो आज के टाइम पे क्या करता है, वो अपना बैंड बनाता है और रॉक कंसर्ट कर रहा है। तो हम उसे पूछते यार तुम्हें आईआईटी क्यों होती है, या तू मैनेजमेंट क्यों किया था जब तुझे बैंड। पर मैं बता रहा हूँ कि हर किसी को जो अच्छा लगा उसने प्रोफेशन किया और उसमें पैसे कमा रहा है। आज गौरव तनेजा है, वो ब्लॉग बना के, वो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो उसने नहीं खरीदी और करोड़ों की उसकी आमदनी है शायद, तो उसको अच्छा लगा उसने किया, पर बात है कि उन्होंने फिर उसको अपना प्रोफेशन भी बनाया। तो कुछ भी आप करो, कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी स्टार्टअप करना है, कुछ मुझे कहीं नौकरी करनी है, इनके साथ जुड़ना है, इनके साथ काम करना है, खुद का करना है, पर बात ये कि होना फिर ऐसा चाहिए कि फिर उसमें आप मन से लगे और फिर आपको एक सक्सेस, मतलब उसके बारे में जानकारी रहे। और ज्यादा किसी से बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया पढ़ लिया, नहीं तो हर आदमी से पूछोगे ना तो हर आदमी के पास ज्ञान बहुत है, जैसे मैं दे रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि हम सक्सेसफुल हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला आदमी सुन लेगा, हमें खुद नहीं पता कि हमें सक्सेस कैसे मिली है। वो यूपीएससी का पेपर भी है ना, अगर उसी को वापस से अगले दिन दिलवा लोगे ना तो आधे लोग जो सिलेक्ट हुए ना वो आधे लोग बाहर हो जाएंगे। दिन दिन की भी बहुत बात होती है और रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत होती है। मैं जब सेलेक्ट हो गया ना तो मैं बहुत बताऊंगा लोगों को कि मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, पर इंटरनली मुझे पता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे सेलेक्ट हुआ। तो इसलिए लोगों के एक्सपीरियंस से सीखो, खुद पढ़ो, खुद चीजों समझो, आज बहुत अवेलेबल है। और फिर बहुत अच्छे से दो चीजें लाइफ में बहुत अच्छे से चुननी चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो, एक तो अपना करियर और दूसरा अपनी लाइफ पार्टनर जिसे शादी करनी है, बस यही दो चीजें आप अच्छे से अगर अपनी लाइफ में करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बाकी आप 2 साल मस्ती करो, इधर घूमो उधर घूमो, कुछ भी करो, कुछ गलत ट्रैक पे भी चले गए, आपकी कोर अच्छा है और अपब्रिंगिंग अच्छी है तो घूम फिर के आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए और मुझे लगता है कि आगे लाइफ अपनी आती रहती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर्स इन अ मोटिवेटिंग वे।